जिसे उसके पिता काल नेमी सहन नहीं करते, कारण कि राक्षस कुल में देव पूजा नहीं होती। वृंदा के विरोध व तर्क वितर्क करने पर कालनेमी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास उद्बोधन के लिए लाता है। दैत्य गुरु कालनेमी को स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं शिव आराधक हैं, अतः वृंदा को शिव भक्ति से न रोके। वैकुंठ लोक में नारद लक्ष्मी को बताते हैं कि वे जलंधर की बड़ी बहन है। जलंधर के राज्य सभा में प्रवेश करते ही असुरगण उसकी जयकार करते हैं। युद्ध चाहते हैं। सुन लिया गुरुवर, आपने एकायर देवता युद्ध चाहते हैं, वो भी महाबली जलंधर के साथ। हम उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे दैत्यराज जलंधर। इससे पूर्व अनेक बार असुरों ने देवताओं की शक्ति छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार किया है। इस बार पुनः असुरों ने पराजित करके पूर्व कथा दोहराएंगे। सेनापति धस्मर, आज्ञा करें दैत्यराज। युद्ध की तैयारियां करो। असुरगण, अपनी संपूर्ण शक्ति को संगठित करो और पूर्ण वेग से स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करो। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहां से आ रहे हो नारायण? बोले, आप जानते हैं कि मैं ब्रह्मलोक से आ रहा हूं, फिर आप पूछते क्यों हैं? और भोलेनाथ, आप ये भी जानते हैं कि मैं ब्रह्मा जी से ये समाचार लेकर आ रहा हूँ कि अब देव और दानवों के मध्य होने वाले युद्ध को रोकना असंभव है। ब्रह्म वाक्य अटल है, ब्रह्मदेव ने जो कहा वो होकर रहेगा। तुम बताओ यहाँ क्या उद्देश्य लेकर आए हो? भगवान, मैं आया तो था आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए, परंतु सोचा पूछता चलूं कि जलंधर का अंत कब और कैसे होगा। ये प्रश्न तुमने ब्रह्मदेव से क्यों नहीं किया? किया था मैंने भगवान, किया था, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी का कहना है कि अवधूतेश्वर ने जलंधर को अपने क्रोध से उत्पन्न किया था, इसीलिए उसके उत्कर्ष तथा अंत के विषय में बताने का एकमात्र अधिकार भगवान को ही है। तो सुनो नारद, हम अपने अधिकार का उपयोग इस समय करना नहीं चाहेंगे। जो हो रहा है उसे देखो और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करो। पूजा कहाँ समाएगी? पूजा समाती नहीं, ग्रहण की जाती है। पूजा के साथ दृढ़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वामी की सदा सुरक्षा। तुम मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हो? चिंतित नहीं, मैं आपकी सुरक्षा की इच्छुक हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि युद्ध में प्रबल से प्रबलतम शक्ति भी आपका पाल बांधा नहीं कर सकेगी। मेरे पराक्रम पर तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ स्वामी, आपके पराक्रम और अपने पतिव्रत धर्म पर। उत्तेजित हो रहे हो? देवराज, जलंधर असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बड़ा चला आ रहा है। क्या
उसका इतना दुस्साहस कि वो देव सेना से टक्कर ले सके। उसकी सेना अति विशाल है, भयंकर भी। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। सेनापति आज्ञा करें देवराज। देव सेना को तैयार करो। रणभूमि में असुर राज जलंधर को यह ज्ञान हो जाएगा कि देवताओं की शक्ति अपरिमित है। इस युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होगा कि संपूर्ण असुर जाति आने वाले समय तक इसका परिणाम भुगतती रहेगी। युद्ध होगा और अवश्य होगा। संग्राम, संग्राम!
शिव से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या से मैं असुर को पुनर्जीवित करूंगा और मैं पुनः देवताओं से युद्ध करने के लिए भेजूंगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। मंत्र को प्रभावहीन करने की चेष्टा करेगा, किंतु हमारे पास इसका भी उपाय है। तुरंत वो उपाय बताएं गुरुवर। वत्स, तुम परम शक्तिशाली हो, इस समय द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक दो और अपने पिता समुद्रदेव से कहो कि वो द्रोणगिरी को नष्ट कर दें। शीघ्र जाओ। मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुवर।
प्रणाम पिता श्रेष्ठ। इस द्रोणगिरी पर्वत को पाताल तक पहुंचा दे, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। तुम निश्चिंत रहो। द्रोणगिरी पर्वत के स्थान पर गहरा गड्ढा हो गया है। हाँ देवराज, द्रोणगिरी कहाँ गया? आश्चर्यचकित तो मैं भी हूं। देवगुरु बृहस्पति व अन्य देवगण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है। क्या हुआ गुरुदेव? जो नहीं होना था वो हो गया देवराज। महाबली जलंधर ने द्रोणगिरी को खाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। क्या? समुद्र में? द्रोणगिरी को समुद्र में फेंक दिया जलंधर ने? क्या इतना बलशाली है वो? द्रोणगिरी को उखाड़ कर फेंक दिया। उस ओर देखे देवराज, देवगुरु लौट रहे हैं अपने जीवित सैनिकों के साथ। देवगुरु बृहस्पति की जय! देवगुरु बृहस्पति की जय! दैत्यराज महाबली जलंधर 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 की जय! महारानी वृंदा की जय! दैत्यराज महाबली जलंधर की जय! महारानी वृंदा की जय! महाबली जलंधर की जय! महारानी वृंदा की जय! महाबली जलंधर की जय! केवल स्वागत वृंदा और कुछ नहीं, प्रशंसा भी। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देवगुरु को बचाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ कर दिए आपने। द्रोण कीड़े को तो उठाकर समंदर में ही फेंक दिया आपने। आवश्यकता ही नहीं पड़ी वृंदा, नहीं तो तेरा ये भुज बलिपति समुद्र को उठाकर द्रोणगिरी पर फेंक देता। जानती हूँ आपकी असुरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। महाबली जलंधर के लिए सीमा कौन तय करेगा? जो करेगा मारा जाएगा महाबली जलंधर के हाथों से। गुरु और शुक्राचार्य की जय! शुक्राचार्य। क्यों, क्या हुआ? क्या मुझे भी बार बार गुरुवर शुक्राचार्य कह कह कर बार बार नमन करना होगा? गुरु, क्या मेरा एक बार का नमन और गुरुवर कहना क्या एक वर्ष के लिए बहुत नहीं? गुरु, इतना समय कहां है महाबली जलंधर के पास कि वो बार बार नमन करता रहे से पहले गुरुवर कहता रहे? गुरु, मेरी ओर से थोड़े को ही बहुत समझो, क्योंकि बहुत तो मैं स्वयं हूं। यो गुरु, उचित है ना? माता पिता व गुरु अपने योग्य और सबल शिष्य व पुत्र की अभद्रताएं सहन कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगा, किंतु गुरु मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं, जैसे मैंने द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया है वैसे ही तुम भी अपने मुंह से किंतु परंतु उखाड़ कर समुद्र में फेंको। उससे क्या होगा महाबले? गुरु अपना सुर नीचे करो, नीचे। असुर के समुख सुर ऊंचा उठाने से असुर की असुरता बढ़ जाती है।
वैसे भी महाबली जलंधर ऊंचे सुर बोलता है, सुनता नहीं। जो सत्य में जानता हूं उसे क्यों दोहरा रहे हो तुम? तुम महाबली हो, पराक्रमी हो, साहसी हो, अजय हो। द्रोणगिरी जैसे विशाल पर्वत को उखाड़ना और उखाड़कर उठाकर उसे समुद्र में फेंक देना बड़े बड़े बलवानों के वश में नहीं। तुम जगत के सर्वाधिक शक्तिशाली असुर हो, इतने पर भी फिर वही गुरु, घुमा फिराकर तुमने किंतु का प्रयोग कर ही डाला। इतने पर भी का अर्थ किंतु ही होता है ना? अर्थात मैं अपनी बात न कहूं, सत्य के रूप में जो विपदा तुम्हारे सर पर मंडरा रही है उसे ना कहूं? कहो, अवश्य कहो, ताकि मैं उसे भी समुद्र में फेंक आऊं। तो सुनो महाबली, द्रोणगिरी को समुद्र के अथाह तल में डुबोकर और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति की योजना को भी नष्ट करके तुमने देवताओं के मन में अपने प्रति क्रोधाग्नि को बढ़ा दिया है। उनके मन में बैठी घृणा और प्रतिशोध की भावना का आकार तुमने बढ़ा दिया है। अब वे शांत नहीं रहेंगे, उनके मन की अशांति तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों की रचना अवश्य करेगी। तुम्हारी असावधानी उनके षड्यंत्रों को मार देगी। ऐसा करें उससे पूर्व तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। हाँ स्वामी, गुरुवर शुक्राचार्य का अनुमान बिल्कुल सत्य है, आपको स्वर्ग पर आक्रमण कर ही देना चाहिए। महाबली जलंधर के दरबार में और जलंधर के सामने गुरु का अनुमान यदि असत्य भी होगा तो वो सत्य हो जाएगा जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। मत भूलो महाबली कि तुम्हारी पति परायण पत्नी वृंदा का सौभाग्य पग पग पर तुम्हारे भुजाबल और वाणीबल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसका सौभाग्य सदैव छत्र बनकर तुम्हारे भाग्य की रक्षा करता है, और जब तक ऐसा है इस जगत का बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारी छाया को छू नहीं सकता। मानता हूं ना गुरु, प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी पति के प्राणों की रक्षा करती है, वृंदा भी मेरे प्राणों की रक्षिका है। ऐसा क्यों कहते हो स्वामी, ये तो मेरा कर्तव्य है। सत्य ही बोल रहा हूं वृंदा, और दूसरा सत्य यह है कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूं। सैनिकों तैयारियां करो, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करना है। दैत्यराज महाबली जलंधर की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। किसकी जय और कैसी जय? शत्रु ने हमारे पराजय की पूरी तैयारियां कर ली है, ये समय जयकार का नहीं सावधान हो जाने का है। देवराज इंद्र, क्या बात है गुरुदेव, आप इतना व्यग्र क्यों हैं? व्यग्रता का कारण है देवराज, जलंधर ने द्रोणगिरी समुद्र में डुबोकर ये प्रमाणित कर दिया है कि उसकी शक्ति अटूट है। जब किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले असुर को अपनी शक्ति और प्रबलता का ज्ञान होता है तो वो चुप नहीं बैठता, शांत अपरिचित और निर्दोष प्राणियों का जीवन दुर्लभ कर देता है, तो फिर शत्रुओं पर वार करने से उसे कैसे रोका जाए? हम उनके शत्रु हैं देवराज। तो अब हमें क्या करना होगा गुरुदेव? देवराज, साधारण विषय में कभी कभी अपनी बुद्धि का बल भी प्रयोग किया करें। सदा मैं ही बताता रहूं कि क्या करना है। जलंधर अपनी शक्ति का प्रमाण दे चुका है, अब शुक्राचार्य उसे शांत नहीं रहने देगा, वो उसकी असुरी शक्ति का हमारे विरुद्ध अवश्य प्रयोग करेगा। वही निवेदन कर रहा हूं गुरुवर, कि उसकी आसुरी शक्ति को रोकने के लिए हम क्या उपाय करें? देवराज, इस समय हमारे एकमात्र रक्षक भगवान विष्णु है, हमें शीघ्र ही उनकी शरण में जाना चाहिए। असुर अवश्य स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करेंगे, यदि हमने सुरक्षा का उपाय करने में विलंब किया तो हम शत्रु को पराजित नहीं कर पाएंगे, केवल भगवान विष्णु ही उन्हें रोक सकते हैं। वैकुंठ नाथ श्री हरि विष्णु की जय। माता महालक्ष्मी की जय। आदरणीय अतिथि गण का सत्कार हो,
पधारिए देवराज, देवगुरु एवं देवगण। पधारिए देवगण, पधारिए गुरु बृहस्पति। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? प्रभु, यदि स्थिति कुशल मंगल की होती तो आपको कष्ट देने क्यों आते? अर्थात विषम स्थिति और अमंगल की आशंका वश ही आप यहाँ आते हैं। सत्य यही है देवी। अब कौन सा नया कष्ट आ गया देव गुरु? कष्ट तो वही है प्रभु, किंतु इसका रूप नया है। ये जलंधर तारकासुर का ही संस्करण है। इसने तो हमारी सुरक्षा के सारे मार्ग ही अवरुद्ध कर दिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्यराज जलंधर ने देवगण के विनाश की नई नई विधियां खोज डाली हैं। अब वो किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। जलंधर का संहार कर इस विनाश से हमारी रक्षा करें वैकुंठपति, इस विनाश से हमारी रक्षा करें। देवराज, देवगण की रक्षा में हम सदैव तत्पर रहे हैं और भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। रहे हैं और रहेंगे, वो तो ठीक है प्रभु, किंतु इस समय चिंता और चर्चा अतीत व भविष्य की ना होकर वर्तमान की है। यदि इस समय भी आप तत्पर रहेंगे तो ही हमारी रक्षा संभव हो सकेगी प्रभु। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवराज, हम निश्चित रूप से स्वर्ग की रक्षा करेंगे। किंतु महाप्रभु, समय बहुत कम है, आप जो कुछ करना चाहते हैं शीघ्र करें। हाँ वैकुंठनाथ, वो किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है देवराज, आप चलकर स्वर्ग की रक्षा पंक्ति तैयार करें, हम शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद प्रभु। स्वामी, क्या आप मेरे भाई जलंधर का वध करने वहां जाएंगे? नहीं देवी, कदापि नहीं। मैं तुम्हारी व्यग्रता समझ रहा हूँ, पर तुम निश्चिंत रहो, जलंधर का वध मेरे हाथों से नहीं होगा। आप कहते तो हैं, पर देवगण के पक्ष में अनेक बार असुरों के साथ छल तो किया है। अवश्य किया है, देवगण के पक्ष में असुरों से छल किया है, किंतु देवगण के पक्ष में कभी किसी देव अथवा देवी से छल नहीं किया। और देवी, ऐसा छल व्यवहार स्वाभाविक और दोष रहित है, इसके लिए हमें ग्लानी नहीं गर्व है। सज्जन की रक्षा करने के लिए दुष्टों से छल करना नीति संगत माना गया है। नीति अनीति मैं नहीं जानती स्वामी, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि जलंधर मेरा छोटा भाई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार सुदर्शन चक्र आपके हाथ से निकल जाए तो वो शत्रु का संहार करके ही लौटता है। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। विश्वास करो देवी, ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं, वचन चाहिए स्वामी। हम वचन देते हैं कि जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे, किंतु हम स्वर्ग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें तुरंत स्वर्ग जाना होगा। हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें।